हे बडीज, आप सभी ने थंबनेल देख के इस वीडियो को क्लिक किया हो तो वीडियो सही क्लिक किया हो। थंबनेल पे जो चीज़ टाइटल है वही चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पहले लाइक कर देना, और चलो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा। और बिहार के सभी कॉलेज जो एंट्रेंस एग्जाम BCC के थ्रू आते हैं उन सभी का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, कमेंट कर देना, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो सबसे पहली बात आती है BCC के थ्रू कौन कौन से ब्रांच ऐसे हैं जो मॉपअप राउंड में मिलने वाले हैं, और उन सभी ब्रांच में एडमिशन लेने के बाद पछतावा होगा, यानी कि समय की बर्बादी होगी। तो सबसे पहले बता दें कि जितने भी मैं ब्रांच का नाम लेने जा रहा हूं उन सभी ब्रांच में करना पछतावा है, समय बर्बादी है। इससे पहले आपको यह डिस्कस कर दे कौन से व्यू से मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आता है जॉब अपॉर्चुनिटी। हाँ, सभी का फोकस जितने भी कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट, आप हो, हम हो या कोई और हो, सभी का एक ही फोकस है जो है जॉब अपॉर्चुनिटी, वो अभी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। प्राइवेट सभी ब्रांच में है, प्राइवेट तो सभी ब्रांच में है लेकिन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, तो भाई इसी चीज़ को हम डिस्कस करने आए हैं इसी वीडियो में। सेकेंड बात आती है सैलरी। हाँ, सपोर्ट डेट जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट नहीं भी है तो क्या प्राइवेट में सैलरी ज़्यादा होगा, तो उस पे व्यू से भी बताएंगे। थर्ड आता है जो है कैंपस प्लेसमेंट। हाँ, कैंपस प्लेसमेंट यानी कि कौन से ब्रांच जिसका हम नाम ले रहे हैं वहाँ पे कैंपस और प्लेसमेंट के व्यू से भी वह समय और साथ में आपका पछतावा का कारण बनेगा। चलिए तो आज डिस्कस कर लेते हैं उन सभी ब्रांच का। तो सबसे नंबर वन वे ब्रांच है और कुछ ठीक ठाक है जो है फिशरीज। हाँ, फिशरीज ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक दो है वैकेंसी जो आती है, जो बहुत कम ही आती है, बहुत कम, 10 साल पे, 20 साल पे, 15 साल पे बिहार में आती है, वह है फिशरीज ब्रांच के लिए। तो फिशरीज ब्रांच में एडमिशन लेने के बाद में आपका लाइफ जो होता है सीमित हो जाती है, सीमित हो जाती है। या मेरे द्वारा नहीं बोला जा रहा है, जो बच्चे सब ने कोर्स कर रहे हैं उनके द्वारा फीडबैक जैसा दिया गया है उसके अनुसार से बता रहे हैं। तो अभी भी आप जाइएगा मॉपअप राउंड में, तो मॉपअप राउंड में सबसे ज़्यादा सीट खाली होगा तो फिशरीज का खाली होने वाला है। हाँ, फिशरीज का खाली होने वाला है। अब बता दें फिशरीज का खाली रहेगा और साथ में वहाँ पे एडमिशन फ़ी भी ज़्यादा है। अब एडमिशन फ़ी बहुत ज़्यादा है तो भाई एडमिशन फ़ी इस कारण से ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा दी जाती हैं। अब सुविधाएं ज़्यादा दी जाती है तो वह सारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना जान जाए कि फिशरीज में एडमिशन लेते हैं तो आपका लाइफ सीमित हो जाता है, लाइफ सीमित हो जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कम है। हाँ, फिशरीज करने के बाद में आपको बिजनेस प्लान करना होगा या आगे हायर स्टडी करना होगा या आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना होगा, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ज़्यादातर कंपटीशन फॉर्म आ जाए या ज़्यादातर उसका अपॉर्चुनिटी फॉर्म आते रहे जॉब वैकेंसी का, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने हैं नेक्स्ट ब्रांच कौन है, तो नेक्स्ट ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। हाँ, हॉर्टिकल्चर आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ब्रांच है और फिशरीज से कुछ लेवल सही है। हाँ, फिशरीज से कुछ लेवल हॉर्टिकल्चर का सही है और यह भी बिहार में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो हॉर्टिकल्चर कैसे आपका समय की बर्बादी है और आपको कैसे पछतावा होगा। सुविधाएं की बात कर ले, कैंपस की बात कर ले तो अच्छा है, अब प्लेसमेंट की बात कर ले तो प्लेसमेंट 20% हो ही जाता है। हाँ, 20% हो जाता है, लेकिन 80% वाले स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। 20% वाले स्टूडेंट वैसे की बात नहीं कर रहे हैं जो प्लेसमेंट में अपना भागीदारी निभा सकते हैं या हायर स्टडी कर सकते हैं। हम उन 80% स्टूडेंट के लिए यह वीडियो लाए हैं जो प्लेसमेंट में भी नहीं जा सकते हैं ना हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, यानी कि मिडिल फैमिली और जो
बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यह खास वीडियो है। तो देखिए, अब 80% जो स्टूडेंट हैं जिनके लिए हॉर्टिकल्चर इसलिए सही नहीं है क्योंकि हॉर्टिकल्चर में जॉब अपॉर्चुनिटी कम आती है। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी कम आती है, गवर्नमेंट सेक्टर से जॉब कम आ रही है, और प्राइवेट की बात कर ले तो प्राइवेट में भी जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। और सैलरी की बात कर ले तो फिशरीज की जो डिस्कस की है तो उसमें आप प्राइवेट फील्ड में जाइएगा तो 25,000 स्टार्टिंग है, और हाईएस्ट मैक्सिमम बता दें तो मैक्सिमम 35,000 तक ही जाता है। और हॉर्टिकल्चर की बात कर ले तो हॉर्टिकल्चर का 20,000 स्टार्टिंग है। हाँ, 20,000 स्टार्टिंग है, अगर नॉलेज बहुत कम है तो 20,000 भी मिलना मुश्किल है। चलिए, अब हॉर्टिकल्चर भी वही है कोर्स जो आपको समय को बर्बादी करेगा और आपका पछतावा बाद में होगा एडमिशन लेने के बाद। चलिए, नेक्स्ट ब्रांच की बात कर ले तो फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज उससे भी खराब है। अब खराब कहने का मतलब ब्रांच खराब नहीं है भाई, वहां पे आप कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी है लेकिन गवर्नमेंट फील्ड में नहीं, और गवर्नमेंट फील्ड में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें प्राइवेट से जो फॉरेस्ट्री किए हैं उन सभी भी फॉर्म फिलअप करेंगे, और उन सभी भी जॉब अपॉर्चुनिटी जहां गवर्नमेंट सेक्टर के आ रहे हैं वहां पे फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है जिस एग्जाम में आपका नॉलेज कम रहेगा। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज और वो भी बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से फॉरेस्ट्री कर रहे हो तो आपका नॉलेज 100% कम ही रहेगा, क्योंकि बिहार के जो प्रोफेसर हैं फॉरेस्ट्री कॉलेज का आधा जानकारी वाले हैं। अब आधा जानकारी आप समझ सकते हैं। तो चलिए, अब बता रहे हैं कि फॉरेस्ट्री लेना भी सही नहीं है, और कॉलेज का जो फॉरेस्ट्री ब्रांच के स्टूडेंट के लिए सुविधाएं मिलती है वह सही नहीं है, तो फॉरेस्ट्री भी करना उचित नहीं है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। हाँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर ले तो फॉरेस्ट्री का नीचे भी आ गया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ब्रांच कहने की है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो प्रोफेसर्स हैं या वहाँ पे सुविधाएं जो दी जाती है वह सही नहीं है। प्लेसमेंट की तो बात ही हटा दो, प्लेसमेंट होता ही नहीं है। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में जॉब है तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है सभी में एग्रीकल्चर साइंस वाले भी भाग लेते हैं। अब एग्रीकल्चर साइंस वाले भाग लेते हैं तो ज़्यादातर नॉलेज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले से बेहतर होता है एग्रीकल्चर साइंस वाले का, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले का कम हो जाता है। सैलरी की बात करें तो उसका सैलरी भी 20 के करीब चल जाता है, प्राइवेट में 20,000, हाँ 20,000 के करीब चल जाता है। उसके बाद में बात कर ले कि इसका स्कोप्स उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, हायर स्टडी करना चाहते हैं तो बेहतर है आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ब्रांच आता है आपका बी फार्मा। हाँ, बी फार्मा बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे व्यू से चलो तो अच्छा नहीं है, बिहार से करना अच्छा नहीं है। कैसे? तो अभी बी फार्मा के स्टूडेंट का फीडबैक देखा गया तो 80% स्टूडेंट बी फार्मा छोड़ना चाहते हैं। हाँ, 80% स्टूडेंट बी फार्मा छोड़ना चाहते हैं। कारण यही है कि ना प्लेसमेंट है, ना जॉब अपॉर्चुनिटी है, ना सैलरी अच्छा है। अब यहाँ पे बात करें कि तो आप बी फार्मा बिहार से करने जा रहे हो तो एक जीआईपी है और एमआईटी है, तो जीआईपी से लाख गुना बेहतर एमआईटी है। भले स्टार्ट एमआईटी में अभी स्टार्ट हुआ है एक साल पहले से, लेकिन एमआईटी के जहाँ पे सुविधाएं दी जाती है स्टूडेंट को जीपीआई से बेहतर दी जाती है। जीपीआई में वहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं कम नॉलेज के हैं या उतने अच्छे से नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एमआईटी के कुछ अच्छे प्रोफेसर्स हैं। तो अगर बिहार से बी फार्मा करना चाहते हैं तो एमआईटी से कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। और बिहार से गवर्नमेंट कॉलेज से बी फार्मा करने से बेहतर है आप बाहर जाकर प्राइवेट से बी फार्मा कर लें, क्योंकि बी फार्मा के गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर वैकेंसी नहीं आती है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे आपका स्किल देखा जाता है, वहाँ पे आपका नॉलेज देखा जाता है, ना कि डिग्री का थंब देखा जाता है कि आप गवर्नमेंट से किए हैं कि प्राइवेट से।
नेक्स्ट हम बात कर ले तो नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग ब्रांच की। तो इंजीनियरिंग में बता दे तो टॉप कॉलेज बिहार से करने में इंजीनियरिंग सही है। कोई भी ब्रांच टॉप कॉलेज से कर रहे हो तो सही है। वारना इंजीनियरिंग बिहार से करने से बेहतर है आप जनरल जो BA BSc BCom होता है वह कर ले। अब यहाँ पे स्टूडेंट का एक ही मुद्दा आता है, भैया आप टेक्नोलॉजी कोर्स को इतना निगलेक्ट क्यों कर रहे हो? आप उतना बेस्ट बहुत सारे वीडियो बनाए लेकिन इस वीडियो में आप समय को बर्बादी क्यों कहें? तो हम बता रहे हैं भाई, आप या फर्स्ट ईयर हो गया या सेकेंड ईयर हो गया, आप BSc कर लिए हैं, BA कर लिए हैं, BCom कर लिए हैं, तो आप जनरल कंपटीशन की तरफ भागिए और आप BPSC हो गया, UPSC हो गया या कोई भी एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है वह सारे एग्जाम BA करके दे रहे हैं, BCom करके दे रहे हैं और BSc करके दे रहे हैं, तो आपके पास टाइम होगा। और जितना आप इंजीनियरिंग के पढ़ाई में टाइम लगाएंगे, जितना आप फिशरीज के पढ़ाई में टाइम लगाएंगे, जितना आप हॉर्टिकल्चर के पढ़ाई में टाइम लगाएंगे, फॉरेस्ट्री के पढ़ाई में टाइम लगाएंगे या आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पढ़ाई में टाइम लगाएंगे, उतना टाइम अगर आप किसी भी कंपटीशन या किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की एक लेकर फोकस करके उतना टाइम दे देते हो ना, तो वह सारे एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है। तो आशा है कि आप सभी के माइंड में डाउट यह क्लियर हो गया होगा कि समय कैसे बर्बाद हो रहा है। सबसे पहले कि अब जो बिहार की कॉलेज का नियम है वह है 75% अटेंडेंस। अब 75% अटेंडेंस की बात कर ले तो 75% अटेंडेंस सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉलेज में रहते हैं तब जाकर पूरा होती है। हाँ, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉलेज में रहते हैं तब जाके पूरा होती है। नहीं तो पता चला कि आपका 75 नहीं पूरा हुआ और आपका ऐसे ही बैक लग गया। उसके बाद सेकेंड नियम नया आया है, अगर एक सेमेस्टर में आपका 5 CGPA से कम आ जाता है यानी कि 50% से कम नंबर आता है तो आपको कॉलेज से भी निकाला जा सकता है। तो अब बताइए क्या करना है। हाँ, अब बताइए क्या करना है। पहले जो चोरी होती थी, हाँ खुलासा बात बताया जा रहा है, बिहार इंजीनियरिंग हो गया कोई भी टेक्निकल कोर्स हो गया तो उसमें कुछ चोरी छुपा चलती थी, लेकिन अब वह सारे बंद हो चुके हैं। तो अपने माइंडसेट को बदलिए और खुद के ऊपर मेहनत करना शुरू कीजिए। और कोई भी डाउट आए और कोई भी इंफॉर्मेशन थोड़ा भी गलत लगे तो कमेंट कर देना यार, उस इंफॉर्मेशन को सुधार कर रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।